यूएस के कैलिफोर्निया के नॉर्थ वेस्ट में एक प्लेस है जिसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहाँ यूएस के सभी टेक जायंट्स के हेडक्वार्टर्स हैं एंड कई सारे टेक स्टार्टअप्स भी हैं। अब यूएस में ये जो नए टेक स्टार्टअप्स थे उन्हें SVB या कहें सिलिकॉन वैली बैंक लोन प्रोवाइड कराता था, क्योंकि इसमें उन्हें बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था। अब जैसे हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक बदले में हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें बैंक को क्या फ़ायदा होता होगा? उनका फ़ायदा ये है कि वो हमसे मिले पैसे को बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, जिससे कि वो हमें इंटरेस्ट, अपने वर्कर्स को सैलरी और खुद के लिए ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। इसी तरह सिलिकॉन वैली बैंक भी नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था जिससे कि अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा था। इवन इसके स्टॉक्स की प्राइस ओवर 700 USD पर शेयर हो गई थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बैंक जो कि US का वन ऑफ द टॉप बैंक था उसे 10 मार्च 2023 को बंद कर दिया गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और उस समय ये बैंक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया करता था। इवन इनकी 50% इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में थी। पर फिर 1992 में कैलिफोर्निया की रियल इस्टेट मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गई, जिसकी वजह से इन्हें $2.2 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। फिर इस बैंक ने स्टार्ट किया नए स्टार्टअप्स को लोन देना, स्पेशली टेक स्टार्टअप्स को, क्योंकि उस समय कोई भी बैंक नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करता था। इनका कहना था कि 2015 तक US के 65% स्टार्टअप्स को ये बैंक सर्व कर रहा था और 2022 के एंड तक इस बैंक के एसेट्स की वैल्यू अराउंड $209 बिलियन पहुंच चुकी थी और इनके टोटल डिपॉजिट्स $175 बिलियन थे, जिसकी वजह से ये 16th लार्जेस्ट बैंक ऑफ US बना। अब जानते हैं कि ये बैंक आखिर कोलैप्स कैसे हुआ। तो पैंडेमिक के चलते सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज की ग्रोथ में एक सैलाब सा आ गया था, उनकी ग्रोथ आसमान छू रही थी। तो अब जो उन कंपनीज के पास पैसा था वो उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, पर क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक सबकी प्रेफरेंस पे था तो सब ने इस बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 2021 में इस बैंक के डिपॉजिट्स $62 बिलियन से $124 बिलियन हो गए थे। अब क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा आ चुका था तो उन्होंने इसे सेफली इन्वेस्ट करने का सोचा और इन्होंने बॉन्ड्स खरीद लिए। बॉन्ड्स बेसिकली एक सिक्योरिटी होती है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट या कोई भी कॉरपोरेट बॉडी बैंक से लोन उठाती है ताकि वो अपने पैसे की नीड्स को फुलफिल कर सके। उस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा था 0 से 0.25%, पर अब ये इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया जिसकी वजह से बॉन्ड्स की प्राइस डिक्रीज हो गई। बेसिकली इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घट जाती है और अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का दूसरा इम्पैक्ट ये है कि लोन्स पे इंटरेस्ट बढ़ जाता है, यानी अगर किसी को लोन लेना है तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग ऐसे समय में लोन लेना अवॉइड करते हैं। तो जिन कंपनीज ने अपने डिपॉजिट सिलिकॉन वैली बैंक में किए थे वो अब लोन नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वो अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए अपनी सेविंग्स बैंक से विड्रॉ करने लगे थे। अब क्योंकि बैंक वो पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर चुका था तो उसके पास इनफ मनी नहीं था कंपनीज को देने के लिए। अब इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए बैंक ने अपने खरीदे बॉन्ड्स जिनकी प्राइस इंटरेस्ट रेट की वजह से घट रही थी उन्हें नुकसान पे बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने $21 बिलियन के बॉन्ड $1.8 बिलियन के नुकसान पे बेचे। अब अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और आपको पता चले कि वो कंपनी लॉस में चल रही है तो ऑब्वियसली आप उससे अपना पैसा निकालना चाहोगे। तो इसी रीज़न की वजह से उसके स्टॉक की प्राइस गिरना शुरू हो गई और 9 मार्च 2023 को इसके शेयर प्राइसेस मोर देन 60% गिर गए और ये सुनते ही लोग अपना पैसा निकालने के लिए बैंक भागे और इस वजह से 10 मार्च 2023 को फेडरल रिजर्व के द्वारा इस बैंक को बंद कर दिया गया। अब जिन लोगों का पैसा उस बैंक में फंसा रह गया था उन्हें गवर्नमेंट कंसेशन प्रोवाइड करती है। जैसे इंडिया में आपको बैंक डूबने पर 5 लाख तक वापस मिल जाते हैं, वैसे ही अमेरिका में बैंक डूबने पर $2.5 लाख का कंसेशन मिलता है। अब जिन कंपनीज ने इससे ज़्यादा डिपॉजिट किया होगा उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ होगा, जिसके चलते कई सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो यही थी दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।